फेमस मुखिया जी जावेद भाई जुड़े हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जावेद भाई यूट्यूब में इतना आसमान को कैसे छुआ। तो सर, आपका कामयाबी के पीछे रीजन क्या है सर, थोड़ा हमारे दर्शक को समझाएं सर। मेरी कामयाबी के पीछे कोई रीज़न नहीं है। देखिए, मेहनत सब कोई करता है, चाहे किसान खेत में मेहनत करे, पढ़ने वाला अपने एजुकेशन के लिए मेहनत करे, मेहनत सब कोई करता है। बस लोगों का प्यार और आपका जज्बा ही आपको कामयाब बनाता है। तो सर, आपको तो सीमांचल से क्या पूरे देश से प्यार मिलता है, तो आप अपना दर्शक को या जो भी आपको देखते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं सर? बस भाई, ऐसे ही प्यार बना कर रखो, क्योंकि आप लोग की वजह से मैं हूँ। मैं कोई कुछ भी नहीं है, जैसे मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़े लिखे सबको ही है। कोई पढ़ लिख के नौकरी कर रहा, मैं वीडियो में उतर गया, लेकिन आप लोग ने इतना प्यार दिया, इतना ये क्या कि मैं जावेद आज जावेद मुखिया बन गया। बस चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। ए भाई, इंतजार एकदम जावेद भाई का, मुखिया जी का एकदम। फोटो तो वीडियो बना देना भी बढ़िया से एकदम, तो वीडियो वायरल है आप। चल अंदर बैठ जा। जावेद भाई, आज मैं बहुत कम समय में बहुत उनकी बात बोलने वाला हूँ। जनाब प्रोफेसर अपने दुख और मुसलमानों का हालात और वजूद के बारे में, और जो जमानत के कुर्बानी आज के दौर में क्या होना चाहिए उनके बारे में। तो भाई, हम लोग आ चुके हैं खाड़ी पुल, या बत्ती का पुल है, ये टपेगा, देखो ये देखो खाड़ी पुल दिख रहा है वीडियो में, क्लियर था, ऊपर करके दिखाओ ऐसे करके। डर हमको भी दिखाने का, ये देखो भाई ऐसे जाने का बचा बचा करके खाड़ी पुल। बहुत शॉर्ट रास्ता है।